तो जिम में मैं पहुंच गया हूं और आज जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज लेग्स और शोल्डर दोनों साथ में लेने वाले प्रणव सर के साथ वर्कआउट कर रहा हूं। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं। आज देखो जिम पूरा खाली है तो ऐसा वीडियो बनाने के लिए भी सही है। ये प्रणव सर अभी दिख नहीं रहोगे, आईने में दिखेंगे। हाँ, आज हम लोग साथ में वर्कआउट करने वाले। आज बात है लेग्स और शोल्डर। मेरा मुंह नहीं दिख रहा था। हाँ, अब बोलो। अरे अपने साहिल सर ये पीछे खड़े रहेंगे। हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं वर्कआउट। तरुण सर ये हमारे, ये डॉक्टर साहब है। अभी यहाँ से फिर इनके पास मैं जाऊँगा फेक, और ये व्लॉग में डालूंगा नहीं। तो चलो शुरू करते हैं अपन आज का वर्कआउट, लेग और शोल्डर। लेट्स गो। बिग डील, तुझे क्या है भाई, तेरा तो सब सही है, सब कुछ सेट है, सब है जो चाहिए। तुम्हें जो है लगता असलियत वो नहीं है, कितनी सारी बातें अभी भी अनकही है। जो ताकत है मेरी कमजोरी भी वही है, ढूंढ रहा लग पर मिल रहा नहीं। डरा रहे हैं सब, बातें खा रही हैं, कांटों के रास्तों पे लेके निकला पाई। तो अभी पहला वर्किंग सेट लग गया हम शोल्डर के लिए, जो की है ओवरहेड प्रेस। सो वेट है अभी 20 kg। वो सूरज कितना मारोगे रेप्स? 6 से क्या होगा 8? आठ। तो ट्राई करेंगे 8 से 10 रेप्स का। ओके सर। पीछे स्पॉटिंग कर रहे हैं साहिल सर। चलो सर, चलो स्टार्ट। जय श्री राम। पुश। 1 2 3 4 5 6। शाबाश। 7 रिकॉर्ड लास्ट। चलो वन मोर। तो सर ने जो अभी वेट उठाया वो उठाने में मुझे काफ़ी टाइम जाएगा। बट आपको बता दूं, जो इसके पहले क्लिप में मैंने गाना यूज़ किया वो मेरे दोस्त का ही था, थियरी। तो आप देख सकते हो उसके यूट्यूब चैनल पे। सेट नंबर सेकंड। कम ऑन। जो कि मुझे लगता नहीं जाएगा, पर ये लोग फोर्स कर रहे हैं। चलो जाएगा जाएगा जाएगा, इजी पीसी। कम ऑन। 6 मारना है। 6 सर। कम ऑन। जय श्री राम। क्या बात है, चलो जाएगा। शाबाश। तो सेट नंबर 3 30 kg। और ये हमारे बिल्डर, ये फेल होने वाला है। अरे पहली बोल, चलो कबाश बस। चलो जय श्री राम। शाबाश बॉय, इजी। अप। 1 अप। 2 3 मना कर रहा था, नहीं जाएगा, जबरदस्ती कर रहे हो। हाँ। तो शोल्डर के लिए सेकंड वर्किंग सेट लेंगे हम लैटरल का, लैटरल रेजिस। तो ये फर्स्ट सेट है, वेट है 5 kg। चलो अब सूरज सर। ऑन द बॉल सर। हाँ हाँ। शाबाश। 1 2 3 तो रैप्स पे ध्यान दे रहे हम लोग, वेट कम ही चलेगा, पर जितना रैप्स रहेगा उतना अच्छा प्रेशर आएगा। इसके लिए मैंने 25 रैप्स मारा 5 का, अभी 7.5 लूँगा, उसका भी 25 ट्राई करूँगा। चलो। सो सेट नंबर 2 7.5 kg। चलो स्टार्ट। बाहर ले
शोल्डर के लिए थर्ड एक्सरसाइज ले रहे हैं हम फेस पुल। सो लेट्स गो। कवर कौन से है सर? परफेक्ट। तो फेस पुल का पहला सेट हो गया है, अभी हम लोग दो और सेट है हमारा, 12, 8, 6। वेट बढ़ाऊंगा, रैप भी कम करूंगा और ऐसे करके शोल्डर का वर्कआउट खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग लेंगे लेग्स। आज हम लोग लेग और शोल्डर ले रहे प्रणव सर के साथ। तो अभी लेग जो है वो भी काफ़ी हार्डकोर होने वाला है, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो लेग का वर्कआउट भी मिस मत करना, इसको पूरा वीडियो देखना। चलो लेते फेस पुल। तो ये लास्ट सेट है, तो अभी मैं 25 से डायरेक्ट 40 कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट सेट है, इसके बाद लेग भी स्टार्ट करना है, टाइम थोड़ा कम है। तो अभी हम लोग 25 से डायरेक्ट 40, जितना रैप जाएगा उतना खींचेंगे फेल्योर तक, पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कैसे क्या लोग इसको कॉन्ट्रैक्ट वेट तो ज़्यादा हो गया। बारह रैप्स गए और शोल्डर का सेट खत्म हो गया, शोल्डर का वर्कआउट हो गया। एक बार फ्लेक्स करता हूँ, देखो थोड़ा शोल्डर कैसा है। सही है सर, थोड़ा फ्लेक्स बताओ ना कैसे करना है। अभी साहिब सर के साथ हम लोग शोल्डर का फ्लेक्स कैसे करते हैं बोलेंगे सर, फ्लेक्स नहीं करो शोल्डर का। आओ ना इधर आओ, बताओ एल्बो आगे कंडीशन। अब हम आपको मिलते हैं पेट का कंडीशन। हाँ तो पेट का है, पेट थोड़ा मेरा कैसा है, पेट ज्यादा है ना, दाल चावल खाता हूँ तो ये लोग मजाक उड़ाते हैं, पर मैंने बोला है 6 महीने रुक जा, मेरी बॉडी बनने वाली है। तो पेट अपन कम कर लेंगे, पेट पे भी थोड़ा वर्कआउट मतलब ध्यान देंगे, बट अभी लेग्स का वर्कआउट खत्म करते हैं, थोड़ा वार्म अप करेंगे लेग्स के लिए। और फिर जो भी सर का आज हम लोग सर के तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं, प्रणव सर के, तो जो जो वेरिएशन मारते हैं लेग्स का वो मारेंगे और आज का वर्कआउट खत्म करेंगे। चलो चलते हैं। तो अभी हम लोग ले रहे हैं बारबेल स्क्वाट, फ्री स्क्वाट्स तो हम लोग ने मार लिया वार्म अप के लिए, तो इजी भी आ गया था। तो अभी हम लोग तीनों जन साथ में वर्कआउट कर रहे हैं क्योंकि शोल्डर तो हम लोग ने अकेले मार लिया, इसको सिर्फ लेग मार रहे हैं, तो अभी साथ में स्टार्ट करें। तो अभी ले रहे हैं बारबेल स्क्वाट। तो चलो 8 या 12 रैप्स मारेंगे और खत्म करेंगे। चलो रैप्स हो गए, अभी वेट बढ़ाएंगे, रेपिटेशन कम करेंगे और फिर दूसरा वेरिएशन लेंगे। तो वेट ज़्यादा है इसलिए जितने सर को पीछे खड़ा किया है और देखते कितना रैप जाता है। लेट्स गो। चलो सर पूरा उठाना सर। ग्यारह रेप गया, वेट थोड़ा लाइट लगा, अभी वेट और बढ़ाएंगे और लास्ट वेट है, लास्ट सेट लेंगे और दो सेट लेंगे। चलो तो अभी वेट है 80 kg, इसके लिए बेल्ट लगा रहा हूँ, इससे पहले कभी मारा नहीं है। अभी पहले
तुम्हें ट्रेनिंग दीजिए, बेल लगा रहा होगा पीछे जिग्नेश खड़ा है, और अब हम लोग इसका जितना रैप जाएगा उतना मारेंगे। आठ रैप गया, बस अब मैं नहीं मारूंगा जिद्दे। तो अभी मतलब मैंने गिव अप कर दिया था, पर ये लोग ने बोला कि एक सेट और मार, पाँच पाँच का वेट और डाला हूँ और 10 का मतलब 10 केजी वेट और बढ़ाया है, और देखता हूँ कितना रैप जाता है। ये फेलोर तक मारेंगे जब तक बैक या लेग टूट ना जाए। चलो सौरभ, क्या पर अभी बोलता आप, चलो कोई नहीं आगे देख ही जाएगा। देख देख और एक बार, एक बार, एक बार आईजी कम ऑन, और नीचे पूरा पूरा पूरा, एक और, एक बार फेल कवर आपके सामने अंधेरा चाहिए। चलो एक और, 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 अरे चल तो मार्बल स्क्वाड्स हमने फेल्योर तक मारा, अभी लेग एक्सटेंशन मार रहे, ये भी फेल्योर तक मारेंगे क्योंकि अभी मैंने प्री वर्कआउट किया, सर का प्री वर्कआउट किया शोल्डर मारने के बाद, तो अभी मेरे शरीर में वो वैसा इचिंग हो रहा है, तो फेल्योर तक जाएंगे। चलो तो अभी सूरज को प्री वर्कआउट ठीक हो गया, उसके लेग को फाड़ देंगे। वेट बढ़ाता हूँ क्योंकि 15 रैप मार दिया मैंने और असर ही नहीं हुआ कुछ, तो बहुत इजी का वेट बढ़ाएंगे अपन नेक्स्ट सेट पे। सर का लेग्स देखो, जिस दिन ऐसा लेग्स बन गया ना उस दिन जिम आना ही छोड़ दूंगा। तो वेट बढ़ाया अभी हम लोगों ने 32.5 लिया है, पहले मैंने 25 का मारा था तो बहुत इजी गया, तो 32.5 का लिया है, देखते कितना रहता है। लेट्स पुश पास द लिमिट। हां ये इजी गया, थोड़ा और वेट बढ़ाएंगे, ये भी 15 रैप मारा मैंने तो अभी 45 ट्राई करेंगे। तो अभी हम लोग हैमस्ट्रिंग मारेंगे ना, हैमस्ट्रिंग का स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि वो 3 सेट हो गया है, तो पहले हम लोग सर को देखेंगे सर कैसा हो रहा है, और कमेंट में बताओ ये टैटू कैसा लग रहा है सर का, रिलीज करो सर, ये देखो टैटू देखो सर का, कमेंट में बताओ टैटू कैसा लग रहा है। तो अभी लास्ट सेट है, ये अपना लेग का लास्ट सेट है, लास्ट वर्कआउट है, हैमस्ट्रिंग,
इसका 3 सेट लेंगे और आज का वर्कआउट खत्म रहेगा। लास्ट में काफ्स मारेंगे, क्या बोलते हैं इसको, काफ्स एक्सरसाइज करके अपन काफ्स एक्सरसाइज करके स्ट्रेचिंग करके खत्म कर, स्ट्रेचिंग करके वर्कआउट खत्म। हैमस्ट्रिंग का लास्ट सेट है। हैमस्ट्रिंग में वेट मैं कम लेता हूं क्योंकि वेट बहुत खींच, मतलब हैमस्ट्रिंग खींच जाता है। क्या किस का मेरा दर्द है, हैमस्ट्रिंग मेरा ना दर्द है इसके काफ रेसेस आता ही है। हैमस्ट्रिंग का चलो को वन ड्रॉप नहीं करेंगे, होल्ड करेंगे इसको, बस अप स्लो डाउन अप। हैमस्ट्रिंग का एक्सरसाइज होता है ना ये मेरे को बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है क्योंकि जो मेरा थाइस है ना बहुत खींच जाता है, बहुत पेनफुल लगता है। बाकी सब तो हो जाता है इजीली, बट ये वाला जो होता है मेरे को बहुत, मतलब बहुत स्ट्रेंथ डालना पड़ता है, कम वेट डालो तो भी बहुत दुखता है। हाँ बराबर है। हैमस्ट्रिंग का लास्ट सेट है, ये मार के लेग्स का वर्कआउट खत्म, स्ट्रेचिंग करेंगे, काफ्स मारेंगे और आज का वर्कआउट खत्म करेंगे। जय श्री राम। हो गया, अभी लास्ट वाला जो हैमस्ट्रिंग मारेंगे ये जिस दिन से अभी मार रहा था कुछ नया ऐसा वाला वो हम लोग ट्राई करेंगे और इसका दो सेट मारेंगे, वो एक लास्ट सेट वो मार लेंगे हैमस्ट्रिंग का। चल अभी ये बताएगा हम लोगों को सर। तो सर अपना मिनी ब्लॉग बनाते हैं डेली और डेली कंसिस्टेंसली वेरी वेरी गुड हैबिट सर, और इंग्लिश बोलना भी आज से ट्राई करेंगे अपन। और सर बहुत मतलब वो क्या बोलते उसको क्या बोलते किससे पूछ किससे रहा हुआ है। तो अभी हम लोग लास्ट वाला हैमस्ट्रिंग मार के खत्म करेंगे वो मतलब क्या बोलते सर उसको जो डेली करते लोग, हाँ कंसिस्टेंसी से सर रोज मिनी ब्लॉग डालते और हर एक दिन डाला है। एक तूने बोला क्या तेरे को आता है? अच्छा अभी अभी बोल के दिखा, अभी बोल के दिखा, अभी बोल। अच्छा अभी जो सर ने बोला वो रिपीट कर खाली, अभी सर ने जो बोला वो तू रिपीट कर खाली। देखा अभी खुद नहीं बोल पा रहा है तो अभी बात पलट रहा है। तो सर जा रहे हैं, थैंक यू सर। चलो गाइस चलो लास्ट हैमस्ट्रिंग मार के आज का वर्कआउट खत्म कर, लेट्स गो। तो मैं जो हैमस्ट्रिंग लास्ट वाला जो सेट था वो इजी जैसा बताया वो ऐसा मारने वाला हूँ लास्ट सेट। तो पहले उससे पूछ लेते क्या कैसा मारने। चलो सर बताओ। हाँ ओके। तो ये तो मैंने आप लोग के लिए बता दिया वीडियो में दिखाने के लिए, मुझे समझा नहीं, अभी वीडियो बंद करूंगा फिर मैं वापस पूछूंगा ये आप लोगों के लिए। चलो और नीचे थोड़ा आ रहा है, ज्यादा नीज मत बेंड कर इस टाइम, ज्यादा बेंड मत करनी, स्ट्रेट रख और पीछे लेके जाइए पा। तो प्रेशर तो आया बट थोड़ा लोअर बैक में भी आ रहा था, हैमस्ट्रिंग पे आया बराबर। तो हो गया लेग्स का वर्कआउट खत्म, स्काफ मारेंगे और खत्म एंडिंग काफ रेजिस। हाँ एकदम बराबर, वेरी गुड। देखो मैं ट्रेनर भी बन गया हूँ। तो पूरा वर्कआउट खत्म हो गया लेग्स का और शोल्डर, लेग शोल्डर दोनों मारा हमने। और आज का ये हमारे मतलब जिम के छोटे छोटे बच्चे हैं जो आसमान को छूना चाहते हैं, बुलंदियों को। चलो शाबाश। हाँ जो मेरे से अच्छा है इनका फिजिक है। तो आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। सर आप कुछ बोलना चाहोगे, आज का सेशन कैसा लगा आपको मेरे साथ वर्कआउट करके, कैसा लगा? अच्छा लगा लेकिन थोड़ी पंचायत सर। हाँ एक चीज़ मैं और आपको बोलना चाहूँगा, आप मेरे ब्लॉग में गाली मत दिया करो प्लीज़। ओके सर। हाँ तो आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे करते हैं ख़त्म। हम लोग ने लेग मारा, शोल्डर मारा और ब्लॉग यहीं ख़त्म कर दूँ कि सोच रहा हूँ आगे बढ़ाऊँ अभी, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं कुछ खाएंगे पिएंगे हिमेश के पास जाएंगे। बट मैं सोच रहा हूँ ब्लॉग यहीं एंड कर दूँ, अगर गया तो गया नहीं तो ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद।
जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश। अस्सलाम वालेकुम।